हेलो एवरीवन, एक और जॉब अपडेट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अभी डिप्लोमा कर रखा है। बढ़िया, एक पीएसयू का जॉब अपडेट है एचएएल की तरफ से। ठीक है, तो अभी इन्होंने डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए एक जॉब के लिए पोस्ट निकाली हुई है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी जो पहले मैं आपको बता देता हूँ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है क्या क्या पोस्ट है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो पहली जो जॉब है वो है डिप्लोमा टेक्नीशियन की मैकेनिकल के लिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में तो टोटल पोस्ट 26 हैं, जिसमें से 10 पोस्ट जो है वो हमारी अनरिजर्व हैं, 6 ओबीसी में है, SC ST में 4 हैं और 2 हैं, और EWS में 4 है, टोटल 26 है। अगर आपके पास डिप्लोमा है ठीक है मैकेनिकल में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा की टेक्नीशियन के। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए 15 जॉब्स हैं। ठीक है, 15 जॉब्स हैं जिसमें डिप्लोमा आपको इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में हो, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सिविल के लिए एक ही पोस्ट है। ठीक है, और अगर आपने मेटलर्जी से कर रखा है तो एक ही पोस्ट है मेटलर्जी के लिए। उसके बाद टेक्नीशियन की है, टेक्नीशियन में अगर आपने ITI कर रखा है तो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में भी हमारे पास 15 जॉब यहाँ पर दे रहा है, और अगर आप फिटर में हैं तो फिटर में 101 जॉब्स हैं। ठीक है, ये ITI के लिए अच्छी जॉब है, आप देख सकते हैं। तो ये HAL की तरफ से, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जॉब है वो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। अगर मतलब आप 4 साल के लिए, आपको अगर सेलेक्ट होते हो तो 4 साल के लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी, और इसमें पे स्केल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप पे स्केल देखें तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पे स्केल पर आते हैं। क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी है, हाँ, लेकिन जो बच्चे अगर हायर डिग्री कर रहे हैं तो आपको फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा कि आप हायर डिग्री भी कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चा डिप्लोमा कर रखा है और वो बीटेक अभी कर रहा है तो उसको फॉर्म में डालना पड़ेगा कि वो बीटेक कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, डायरेक्ट बीटेक है और आप इसमें भरना चाहते हो, तो आपके लिए ये जॉब नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आपकी है तो आप नहीं कर सकते। बाकी SC ST को 5 साल का है और OBC को 3 साल की इसमें लिमिट दे रखी है, आप इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो सबसे बड़ी बात है वो आपको मैं बताता हूँ इसमें सैलरी। ठीक है, जो सैलरी की बात कर रहे हैं, सैलरी के पहले बात आते हैं, फिर उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर पर आएंगे। ठीक है, ये तो कितनी आपको सैलरी मिलेगी। एप्लीकेशन फीस अगर देखेंगे तो एप्लीकेशन फीस जो है वो सिर्फ 200 रुपये यहाँ पर दी गई है। ठीक है, 200 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है, ये 200 रुपीज़ की। ठीक है, 200 रुपये की हमारी एप्लीकेशन फीस है, और उसके अलावा एक बार आप लोग पढ़ लेंगे ठीक है इस पूरे नोटिफिकेशन को। इस नोटिफिकेशन में अगर हम यहाँ आते हैं, इसमें जो सैलरी दे रखी है वो है लगभग 44,000 के आसपास सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है, जिसमें आपको सारे ये है देखिए। ठीक है, जो भी आपको मिलेगा, बेसिक पे आपका 22,000 है, और उसमें आपका DA HRA पर्क्स एंड अलाउंस और मेडिकल अलाउंस सब मिलाकर आपको 44,796 रुपये आपको मिलेगी। ठीक है, ये तो आपको 44,796 रुपये मिलेगी। अगर आप स्केल 6 में जाते हैं तो आपको 46,764 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी अच्छी है, 4 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा हर साल। ठीक है, जितना भी गवर्नमेंट देगी वो इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, लेकिन बेसिक पे आपकी 22,000, टोटल आपको 44,796 ये मिलेगी। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, देखो टेन्यूअर ऑफ एंगेजमेंट इन्होंने बोल दिया है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 ईयर का रहेगा। अगर आप बीच में कुछ ऊपर नीचे होता है या आपका फीडबैक अच्छा नहीं रहता तो आपको निकाला भी जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 60% आपके डिप्लोमा में होने चाहिए। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन में आपका 60% होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरीके से आपको दिया जाएगा। ये क्योंकि जॉब अच्छी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये रिन्यूमरेशन की बात हो गई, अब यहां बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर की। ये तो सिलेक्शन आपका होगा रिटन टेस्ट के थ्रू, रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा। ठीक है, और जो भी रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा वो बेंगलोर में होगा। ठीक है, आपको बेंगलोर जाकर देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो रिटन टेस्ट में आपका बेंगलोर में जाके होगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको सब बता दिया जाएगा, आप इस वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये 2.5 घंटे का रिटन टेस्ट होगा जिसमें 3 पार्ट होंगे। ठीक
ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। पार्ट वन में 20 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और रीजनिंग के, और थर्ड पार्ट होगा 100 क्वेश्चन का, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इससे आपसे पूछा जाएगा। तो तीन पार्ट में आपको मिलेगा, आप भर सकते हो। फॉर्म आपको कैसे भरना है, www.halindia.com पर जाना है, .co.in पर जाना है, और वहां पर जाकर ये आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप HAL के करियर में जाएंगे तो आप इस जॉब नंबर को देख लें, ठीक है, सेकंड या थर्ड ऑप्शन में ये दे रखा है। आप इस वाली जॉब पर जॉब नंबर देखेंगे, LAC करके ये दे रखा है, LCA तेजस डिवीजन बेंगलोर, ठीक है, इसके नाम से वहां पर एक जॉब का जो नोटिफिकेशन नंबर है वो भी आप नोट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर है, 14 तारीख से ये जॉब आई हुई है, लास्ट डेट इसकी 28 है, ठीक है, 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो आप देर मत करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल भर दीजिए इस जॉब को, क्योंकि इस जॉब में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अच्छी जॉब है, अच्छा पे स्केल है, 4 साल आपको HAL के साथ काम करने का मौका मिलेगा, 4 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप वहां को छोड़ते भी हैं तो डेफिनेटली आपको अदर PSUs भी अप्लाई करेंगे एक्सपीरियंस बेस पर, तो वहां भी आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। ये तो अगर आपका मन है कि PSU के साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, 4 साल अच्छा जो है टेन्योर होता है, और इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो आपको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ऐसी और भी अपडेट आती रहेंगी तो मैं लाता रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।